गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4। मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज 10.5 और 10.6 करा दी है, आज मैं कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 10.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। आपको इसे किस में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में। तो मैंने आपको लाइव क्लास में ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को पढ़ना बताया था कि हम डेसिमल वाले नंबर्स को किस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आपको याद है। देखिए आपको एक्सप्रेस किस में करना है, डेसिमल में। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5/10, 300। मैंने बोला था ना कि हम किस तरीके से इनको पढ़ते हैं। जैसे आपके पास सपोज़ कर लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ 3.012, ये मैंने नंबर लिखा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको याद है, बताइए किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको। ये 3 क्या है आपका, कौन सी प्लेस पर है, वंस, एंड 0 कौन सी प्लेस पर है आपकी, मैंने बताया था डेसिमल के बाद वाला नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम डेसिमल में कहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेंथ। इसको क्या बोलेंगे, हंड्रेड। इसको क्या बोलेंगे, थाउजेंड। यानी हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को यहाँ से पढ़ते हैं और वो भी ये होता है टेंथ, ना कि वन। और टेंथ में यानी टेन में आपका लग जाता है THS, और ऐसे ही हंड्रेड, हंड्रेड में भी THS लग जाता है, और थाउजेंड में भी THS लग जाता है। ओके, तो अब आप इस वाली एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं कराती हूँ आपको। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/10, 300, यानी कि आपके पास डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है, आपको डेसिमल तो लगाना ही है ना। और मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या होता है आपका, टेंथ। तो टेंथ पे आपका कौन सा नंबर है, 5 लिखिए। फिर टेंथ के बाद क्या आता है, हंड्रेड। तो हंड्रेड पे कौन सा नंबर है, 3। और कोई नंबर है नहीं, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। तो ये हो गया आपका 0.53। ये 5 इसकी प्लेस हो गई टेंथ और 3 की प्लेस हो गई हंड्रेड। इतनी बात समझ में आई आपको अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखिए, 4/10, 600, यानी कि डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है और डेसिमल के बाद क्या आता है, टेंथ। क्या देखिए टेंथ पर कुछ है, है कितना, 4। फिर टेंथ के बाद क्या आता है, हंड्रेड। देखिए हंड्रेड पे कुछ है, है कितना, 6 लगा दीजिए। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक। एक और देखिए, 900, 3000, है ना, यानी कि डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है तो हमें क्या लगाना होगा, 0। अब देखिए डेसिमल के बाद क्या आता है, टेंथ। क्या टेंथ है, नहीं है, 0 लिखिए। टेंथ के बाद क्या आता है, हंड्रेड। क्या हंड्रेड पे कोई नंबर है, है कितना, 9। उसके बाद थाउजेंड्स पे कोई नंबर है, है कितना, 3। तो ये हो गया आपका आंसर 0.093। इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक और देखिए आई वाला, 3/10, 500, 7000। तो ये इसको आप कैसे लिखोगे, यानी डेसिमल से पहले कोई भी नंबर नहीं है। ये मैं कैसे बता रही हूँ डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है, अगर होता तो लिखा होता ना वंस, टेंस, हंड्रेड, पर क्या लिखा हुआ है, टेंथ। तो टेंथ तो हमारा डेसिमल के बाद ही होता है ना, इसलिए। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। अब देखिए डेसिमल के बाद क्या आता है, टेंथ। कोई नंबर है, हाँ है, कितना, 3 लिख दीजिए।
टेंथ के बाद क्या आता है? हंड्रेड। क्या कोई नंबर है? है। कितना? फाइव। लिख दीजिए। फिर टेंथ हो गया, हंड्रेड हो गया, उसके बाद क्या आता है? थाउजेंड। क्या कोई नंबर है? है। कितना? सेवन। लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका पूरा नंबर 0.357। बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, आप कर लेंगे आसानी से। आगे बढ़ूँ मैं? चलिए। तो बच्चों, अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अच्छे से बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? वर्ड्स को डेसिमल में लिखा था, है ना? अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, है ना? आपके सारे आंसर ऐसे ही तो आ रहे थे, देखिए। और अब आपको इसको ऐसे करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए, जैसे 0.65, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 0.65। अब आप इसे एक्सप्रेस वर्ड में करोगे तो कैसे करोगे? डेसिमल के बाद वाला नंबर आपका क्या होगा? टेंथ। तो आप क्या लिखोगे? सिक्स टेंथ, यानी कि TENTHS, ठीक। और फाइव, टेन के बाद क्या होगा? हंड्रेड। तो हंड्रेड में THS लगा दो, सिक्स टेंथ फाइव हंड्रेड। थाउजेंड नहीं है, तो बस इतना ही लिखना है, सिक्स टेंथ फाइव हंड्रेड। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक ये वाला देखिए, J वाला 0.076, तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे? देखिए, डेसिमल के बाद टेंथ पर कोई भी नंबर नहीं है, जीरो बना हुआ है, तो आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीरो टेंथ नहीं लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे। टेन के बाद क्या आता है? हंड्रेड। तो हंड्रेड में THS लगा दो और सेवन उसके आगे लिख दो, तो सेवन हंड्रेड। सिक्स थाउजेंड, टेन हंड्रेड थाउजेंड, ऐसी तो होती है, ऐसी तो होता है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो आप सेकंड क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड करा दिया है, मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, राइट, आपको साइन लगाने हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल। तो आपको अब कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से। जो नंबर बड़ा हो उसकी साइड आप इस तरीके से साइन लगा दीजिए, यानी कि उसी तरफ आपको ये उसका, ये जो चिड़िया है उसका मुंह खोलना है, ठीक। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब किस तरीके से कंपेयर करोगे वो मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर है 0.4 और यहाँ पर है 0.04। देखिए, 0 और 0 तो सेम है, डेसिमल के बाद आपका जो नंबर है वो क्या है? 4। और यहाँ पर क्या है? 0। तो मुझे बताइए, 4 बड़ा होता है या फिर 0? बोलिए, 4 बड़ा है या फिर 0? 4 ना। तो अब आप किधर बनाएंगे साइन? यहाँ कि यहाँ? क्या बड़ा है? डेसिमल के बाद वाला नंबर आपका क्या है? 4। यहाँ डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या है? 0। तो 4 बड़ा है या फिर 0? 4। तो हम यहाँ पर इसका मुंह खोल देंगे, यानी उल्टा भी बना देंगे, ठीक। सेकंड वाला देखिए, 1/10 और 1/1000। देखिए, अब आपको अपने फ्रैक्शन चैप्टर पर जाना होगा। मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था कंपेयर करना। देखिए, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो अगर आपको देखना होता है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो न्यूमरेटर सेम है तो क्या होता है? जब न्यूमरेटर सेम है तो जो नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है, है ना? जैसे 10 और 1000 में बड़ा नंबर क्या है? 1000। तो ये छोटा नंबर है, तो बड़ा क्या है? 10। तो आप किधर साइड इसका मुंह खोलेंगे? इधर। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए, 0.05,
0.5। अब वैसे ही देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, डेसिमल यानी कि डेसिमल से पहले क्या है, ज़ीरो, इधर क्या है, ज़ीरो, तो सेम नंबर है, हमें कुछ करना नहीं है। अब डेसिमल के बाद देखिए क्या है, ज़ीरो, और डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पर, फाइव, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ज़ीरो या फिर फाइव, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, ज़ीरो या फिर फाइव, बोलिए कौन सा नंबर बड़ा है, फाइव। तो आप इधर साइड इसका मुंह खोल देंगे, ठीक। और देखिए ज़ीरो ज़ीरो सेम है, फिर डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या है आपका, सेवन, और डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या है यहाँ पर, नाइन, तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, सेवन या फिर नाइन, बोलिए कौन सा नंबर बड़ा है, नाइन ना, तो आप इधर साइड इसका मुंह कर दीजिए। अब देखिए 0.098 यहाँ पर है 0.1, तो 00 सेम है, डेसिमल के बाद है 0 और डेसिमल के बाद है यहाँ पर 1, तो 0 बड़ा है या फिर 1, बताइए 0 बड़ा है या फिर 1, 1, तो आप इधर साइड इसका मूव कर दीजिए। अब देखिए 0.0 अब यहाँ पर है 0.0 यानी कि 0 और डेसिमल के बाद वाला नंबर भी सेम सेम है, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर के भी बाद वाला नंबर यानी कि हंड्रेड, ये होता है टेंथ, ये होता है हंड्रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेवन, यहाँ पर क्या है, सेवन, तो ये भी। तो हमने क्या पढ़ा कि टेंथ के बाद वाला नंबर यानी कि हंड्रेड भी सेम सेम है। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला नंबर यानी कि थाउजेंड वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, सिक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सिक्स बड़ा हुआ, तो हम इधर साइन कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जी वाला देखिए 0.1 और 0.9 यानी कि डेसिमल से पहले जो ज़ीरो ज़ीरो था वो तो सेम है, और डेसिमल के बाद वाला नंबर वो वन है, और डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पर है नाइन, तो वन और नाइन में से कौन सा नंबर बड़ा है, बताइए वन बड़ा है या फिर नाइन, नाइन ना, तो हम इधर साइन कर देंगे, ठीक। आपको ये क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आया, अच्छे से आगे बढ़े, चलिए। देखिए बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है, फिल इन द मिसिंग डेसिमल, फिल इन द मिसिंग डेसिमल, तो आपको यहाँ पर फिल करने हैं जो आपके मिस हो गए हैं डेसिमल वाले नंबर, ठीक। देखिए 0.1 और उसके बाद डायरेक्ट आ गया है 0.3, तो बीच में बताइए क्या रह गया है, 1 के बाद 3 आ गया है ना, तो 0 लगा दीजिए, डेसिमल लिख दीजिए, डेसिमल के बाद है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 3, तो 1 के बाद क्या आता है बताइए, 2, तो यानी कि यहाँ पर क्या रह गया है, 2, और 2 के बाद क्या आता है, 3, तो अब ये सही है। सेकंड देखिए 14.2 और यहाँ पर आ गया है 14.4, तो बताइए बीच में क्या रह गया है, बोलिए 14.2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ पर रह गया है 14.3 और ये हो गया आपका 14.4। सी वाला देखिए 814.8 और यहाँ पर है 815, तो बताइए बीच में क्या रह गया होगा, बोलिए 8 के बाद क्या आता है, 9, देखिए तो हम लिखेंगे 814.9, 10 जो था वो 4 में 1 कैरी ऐड हो गई थी, तो इसलिए हो गया यहाँ पर 815। एक और देखिए 37.06, यहाँ पर है 37.08, तो बताइए बीच में क्या रह गया होगा, 37.06 के बाद क्या आता है, 7, और 7 के बाद 8, तो ये हो गया आपका पूरा। इसके मैं आपको 4 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है 5 और 6 यानी कि एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन है 5 और 6,
उसे हम कल करेंगे, ठीक है। मैं पहले कराऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है देखिए, राइट इन डेसिमल्स, आपको इसे राइट करना है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है 1.52, तो इसको ऐसे ही लिखना है, 1 और पॉइंट का डेसिमल बनाइए और 5 और 2 लिख दीजिए, तो ये हो गया 1.52। आपको ऐसे ही सारे लिखने हैं, जैसे यहाँ पर है 9.54, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 9 पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट बना दिया, फिर लिखिए 5 और 4। अभी मैंने आपको इसका क्या बताया था, 1 और पॉइंट का पॉइंट बनाइए और 5 2, है ना कितना इजी। एक और देखिए 15.759, देखिए ऐसे ही 15.759। एक और देखिए 25.059, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको भी, 25 पॉइंट का पॉइंट बनाइए, 059, है ना कितना इजी। एक और देखिए 104.654, ऐसे ही लिखिए 104 पॉइंट, कितना है फिर 654। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो आपको आज मैंने 10.4 एक्सरसाइज में आपको कराए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर गुड हैंडराइटिंग के साथ सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।